जनपद संबल के हजरत नगर गढ़ी के नमामि गंगे योजना के तहत जापान से आए प्रतिनिधि दल ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आज जनपद संबल में हजरत नगर गढ़ी में सिक्का इंटरनेशनल जापान से आए 16 सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने यहां पर एक बोल्ट फैक्ट्री में 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर संबल के वनाधिकारी देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जापान से आए 16 सदस्यीय दल हजरत नगर गढ़ी के आलार अनुग्रह नगर में 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया और कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और गंगा नदी में कूड़ा करकट न डालें। आलार अनुग्रह नगर में हजरत नगर गढ़ी में यहाँ पर एक प्लांटेशन किया गया था जापानी डेलीगेट्स के द्वारा। जापान से टीम आई थी 18 लोगों की सिस्का इंटरनेशनल की तरफ से, जो अगर वृक्षारोपण किया जाए 1000 पौधों का, उसमें मुख्य रूप से आम, सागौन और महोगनी कुछ फूलदार पौधे, ये 1000 पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम था जापानी डेलीगेट्स आए सर। तो जापानी जो डेलीगेट्स आया था कुछ कह के गया इस योजना के बारे में, नमामि गंगा योजना की कैसी योजना है ये? उन्होंने बताया कि नमामि गंगे योजना में लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं और गंगा को साफ सुथरा रखें, क्योंकि इसके बारे में बहुत विशेष चिंतित थे। गंगा में जो प्रदूषण होता है उसको रोका जाए और अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा वातावरण साफ सुथरा रहे और हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकें। सर कुल कितने सदस्य थे डेलीगेट्स में? 16 सदस्य तो जापान से आए थे, प्लस यहाँ से नमामि गंगे के हमारे जो चीफ डायरेक्टर थे दिल्ली से, वो भी आए थे। इसके अलावा हमारे अधिकारी का वन संरक्षक महोदय भी आए थे मुरादाबाद से, काफ़ी अधिकारी इसमें आए थे।